हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम गर्ल श्वेता। आज हम फिर से रिव्यू करने वाले हैं एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, जिसका जिक्र मैंने किया था लास्ट वीडियो में। हमने देखा था एंटी डैंड्रफ किट, जो था अजाफ्रान ब्रांड की तरफ से हेयर के लिए, और आज हम देखने वाले हैं फेशियल किट, जो है अगेन अजाफ्रान ब्रांड से, और ये भी है पैराबिन और सल्फेट फ्री टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जिसका रिव्यू आज हम करने वाले हैं। समर्स में स्पेशली आपके स्किन का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ इस फेशियल किट का। फेशियल किट में टोटल 4 स्टेप दिए गए हैं, क्लिंजिंग, स्क्रबिंग, मास्क और मॉइस्चराइजिंग। ब्रांड के बारे में आप सभी लोग जान ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि ये ब्रांड है क्रुएल्टी फ्री, पैराबिन और सल्फेट फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इनके, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं हेलो गॉर्जियस स्किन केयर किट का। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। इसे मैं अब ओपन करने वाली हूँ, अब तक मैंने इसे ओपन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने इस किट को कर रही हूँ ओपन। आई थिंक ये है फ्रूट फेशियल किट, क्योंकि इसके पैकेजिंग पर पूरी तरह से फ्रूट मेंशन किए हुए हैं। एंड इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 5-5 ग्राम्स के 3 सैशे, जो है क्लींजिंग के लिए, स्क्रबिंग के लिए, मास्क के लिए और मॉइस्चराइजिंग के लिए। तो लेट्स ओपन द पैकेजिंग। ओके, जिस तरह से हेयर किट के अंदर सैशेस थे, उसी तरह से इसके अंदर भी सैशेस है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। वैसे भी समर्स में हमारी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो फेशियल की, नरिशमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, तो आज हम करने वाले हैं घर में फेशियल। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फेस की क्लींजिंग से। तो इस क्यूट सी पैकेजिंग में आपको क्लींजिंग प्रोडक्ट मिल जाता है। तो चलिए हमारे फेस को कर लेते हैं क्लींज। क्लींजिंग करने से पहले मेरे फेस को मैं स्पंज की मदद से थोड़ा सा वेट कर लूंगी, ताकि प्रोडक्ट जो है इवनली स्प्रेड हो। आप कोई भी कॉटन ले सकते हो। काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, एंड इसका क्लींजिंग का स्ट्रक्चर जो है जेल फॉर्म में है, और स्मेल काफी ऑसम है, फ्रूटी स्मेल है। तो फेस को क्लींज करने के लिए मैं प्रोडक्ट को ऑल ओवर मेरे फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी, और इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में हम जेंटली मसाज करेंगे 5 मिनट्स के लिए। आंखों के नीचे डार्क सर्कल एरिया पर इसे अच्छे से मसाज देना है। बहुत ही जेंटली ये मसाज आपको करना है, और इसका जो प्लेजेंट फ्रेग्रेंस है आपको बहुत ही काम फील कराता है। ये अजाफ्रान ऑर्गेनिक की तरफ से क्लियर स्किन फेस वॉश है, जो आपके ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन देता है, एंड ये स्पेशली नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप इसकी जो बड़ी सिंगल पैकेजिंग है फेस वॉश की, आप उसे यूज कर सकते हो फेस क्लींजिंग की। ये आपको अजाफ्रान ऑर्गेनिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, मैंने चेक की है। और इसका जो इंग्रेडिएंट है, या जो जो प्रोडक्ट इसमें यूज़ किए हैं, टोटली ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपकी स्किन को प्रोवाइड करते हैं। अच्छे से मसाज करने के बाद 5 मिनट्स तक मैंने फेस को कर लिया है वॉश। आप वेट टॉवल से भी फेस क्लीन कर सकते हो, और नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे फेस स्क्रबिंग। ये है अजाफ्रान ऑर्गेनिक्स का एवरीडे जेंटल फेस स्क्रब, जो आपके फेस को, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है बहुत ही जेंटली, और आपके स्किन टोन को ब्राइटन अप करता है। ये स्पेशली नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है एप्रिकॉट या ड्रैगन फ्रूट से मुझे मिलती जुलती लगी, और इसका जो टेक्सचर भी है मुझे एक ड्रैगन फ्रूट की तरह लगा। इसके जो छोटे छोटे ब्लैक ग्रैन्यूल्स है इसके अंदर, बहुत ही जेंटली आपके फेस के ऊपर अच्छे से स्क्रबिंग करते हैं, ओवर एक्सफोलिएट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि अदर जो स्क्रब हम यूज़ करते हैं बहुत ही हार्शली हमारे फेस के ऊपर अप्लाई होते हैं, और जिससे हमारी स्किन कभी कभी ओवर एक्सफोलिएट भी हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन सा आ जाता है। लेकिन इस स्क्रब से बहुत ही सूदिंग, जेंटली उसने मेरे स्किन को एक्सफोलिएट कर दिया है। इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मिनट्स तक मैं इसे अच्छे से स्क्रब करूंगी।
आपके डार्क एरियाज को और टैन एरिया को ये अच्छे से रिमूव करता है, डेड स्किन को आपके फेस के ऊपर से हटाता है। और यहाँ पर लिखा है कि आप इसे एवरीडे भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको स्क्रब हफ्ते में सिर्फ दो बार यूज करना होता है। रिमूव डेड स्किन सेल्स एंड डर्ट टू रिवील स्किन नेचुरल रेडियंस। फेस स्क्रब करने के बाद फेस को अच्छे से फिर से क्लीन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है फेस मास्क। इसका फेस मास्क भी काफ़ी अलग है, थोड़े से थिक टेक्सचर में आपको ये प्रोवाइड हो जाता है। एक्चुअली इसकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़िया लगी। स्क्रब और जो क्लिंजिंग है, एक पैकेट में दो फेशियल कंप्लीट हो जाते हैं आसानी से। सिर्फ इसका फेस मास्क की जो क्वांटिटी आपके लिए इनफ होगी, एक पूरा पैकेट आपको लग जाता है। तो ये इस तरह से फेस पैक मैंने मास्क अप्लाई कर दिया है अपने फेस के ऊपर, और इसे भी आपको 10 मिनट तक इसी तरह से छोड़ना है और देन आप इसे ड्राई होने के बाद वॉश कर सकते हो। ये है अजाफ्रान ऑर्गेनिक्स का डीप पोर क्लींजिंग क्ले मास्क, रिमूव डेड सेल्स एंड ब्लैक हेड्स। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए काफ़ी असरदार हैं, और इसकी भी जो फ्रेगनेंस है, ऑल ओवर प्रोडक्ट की फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी है। और सारे प्रोडक्ट जो है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, तो इससे आपके स्किन को कोई भी हार्म इफेक्ट नहीं पहुंचता है। आप स्किन देख रहे हो बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रही है। फोर्थ स्टेप है हमारी मॉइस्चराइजिंग। इसके साथ आपको मॉइस्चराइजर एक सैशे मिलता है, और वो भी एक बटरी फॉर्मूले के साथ। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत एक मक्खन जैसा इसका टेक्सचर है, और आपके फेस के ऊपर ये बहुत ही अच्छे से स्प्रेड भी होता है। अच्छे से थिक टेक्सचर होने के बावजूद ये पेनिट्रेट हो जाता है आपके स्किन के अंदर और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फेशियल की वजह से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उन्हें लॉक करने के लिए आपको चाहिए एक बेस्ट मॉइस्चराइजर, और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है उसके लिए। तो इस तरह से हमारा फेशियल हो चुका है कम्प्लीट, और मैं कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से फ्रेश फील। सो गाइस, हमने कर लिया है फेशियल डन, और मुझे बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको कि कितना रिफ्रेश फील हो रहा है। मेरी स्किन एक्चुअल में अंदर से ब्रीथ कर पा रही है। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। मैं फैन हो गई हूँ इस प्रोडक्ट की, और मैं मंगवाने वाली हूँ इस प्रोडक्ट के अदर कई ब्रांड। अगर आपको भी मंगवाने हैं तो एक बार इनके वेबसाइट पर जरूर चेकआउट कीजिए। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने जस्ट रैंडमली इस प्रोडक्ट को परचेज किया था ड्रग स्टोर से। मैं टेस्ट करना चाहती थी कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट को जो कितना असरदार हो सकता है, इसलिए इसे देखने के लिए। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा फैन हो गई हूँ इस प्रोडक्ट की। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इसने मुझे दे दिया है। प्लस इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही बढ़िया रहा मेरे स्किन के ऊपर। सेकेंड, इसका फ्रेगनेंस अमेजिंग डिवाइन फ्रेगनेंस के साथ ही आपको प्रोवाइड हो जाता है। फ्रेगनेंस एक ऐसी चीज है जो आपको काम करने के लिए, आप इस लेवल को भी मेंटेन करने के लिए काफी फायदेमंद रहती है, और आपको एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आपको अंदर से आने लगती है। अगर हम बात कर ले रिजल्ट की, तो रिजल्ट ऑसम रिजल्ट मुझे लग रहा है अंदर से ही भी, और बाहर से भी आप ग्लो देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से क्लींस हो गई है, प्यूरीफाई हो गई है मेरी स्किन। स्क्रबिंग की वजह से भी पोर्स जो थे अच्छे से ओपन भी हो गए, क्लीन भी हो गए। और इसने इसकी जो स्क्रब है, मुझे इसका स्क्रब स्पेशली मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि इसने ओवर एक्सफोलिएट भी नहीं किया मेरे स्किन को, जेंटली स्क्रब किया और डेड स्किन को रिमूव कर दिया। एंड देन एट द लास्ट मॉइस्चराइजर की तो बात ही कुछ अलग है। मैं जरूर चेकआउट करूंगी कि इसका बड़े पैकेजिंग में कोई मॉइस्चराइजर अवेलेबल होगा। मुझे मिलते हैं इनके अदर प्रोडक्ट्स, तो मैं डेफिनेटली उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आपको उसका भी रिव्यू, आप तक उनका भी रिव्यू जरूर पहुंचाऊंगी। आप अपनी स्किन के लिए ढूंढ रहे हो कोई एक पैम्पर्ड प्रोडक्ट और जो आपकी स्किन को बहुत ही अंदर से ग्लोई बनाए, विद केयर्स, विदाउट केमिकल, विदाउट टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो आप ट्राई कर सकते हैं इस ब्रांड को। मैंने ट्राई किया और मैं 100% सेटिस्फाई हूँ इस ब्रांड से, तो मैं नेक्स्ट टाइम इसे जरूर परचेस करना चाहूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।